वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट। तो यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो अमेजिंग प्रोडक्ट है ये ल्यूबॉम सनस्क्रीन SPF 50 PA 4+, कुछ इस तरह से। इसके आगे की साइड पे इसके सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे अभी। गाइस, सबसे पहले मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्यों मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को। सो ये कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो। इसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम लाइट वेट है, मतलब लाइक बिल्कुल आप देख सकते हो। जैसे ही मैं इसको स्किन में एब्जॉर्ब करा रही हूँ ना, वैसे ही इसकी व्हाइट कास्ट खत्म होती जा रही है और ये प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ये देखो, सो आप देख सकते हो कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं दिख रही है। सो यार गाइस, अब मैं बात कर लेती हूँ इस सनस्क्रीन के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले है इस सनस्क्रीन में SPF 50, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सनस्क्रीन में SPF 30 तो होना ही चाहिए मिनिमम, लेकिन इसमें है SPF 50 जो कि आपकी स्किन को बहुत जैसे प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ इसमें है PA 4+, जो कि आपकी स्किन को 16 टाइम सन से प्रोटेक्ट करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। तो ये सनस्क्रीन तो लेनी बनती है एक बार, मतलब लाइक अगर आप लोगों का मन है तो ले लो। इसके बाद भी इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता लग पाएगा इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। जब सनस्क्रीन की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग सनस्क्रीन को स्किप करना पसंद करते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ना बहुत ज्यादा फेस ऑयली हो जाता है, ग्रीजी हो जाता है और बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट दिखने लग जाती है, जो कि हम डस्की स्किन टोन वालों के लिए तो बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप एक अच्छी सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो। ऐसे में आप यूज कर सकते हो ये ल्यूबॉम सनस्क्रीन जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे ना अपनी स्किन पे, आप लोगों को लगेगा बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर इसका। जब आप अप्लाई करोगे ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी बहुत ही जल्दी, लाइक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। ये सनस्क्रीन जैसे बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसे होती है बहुत थिक कंसिस्टेंसी की होती है, जिनको ब्लेंड करने में, जिनको एब्जॉर्ब कराने में स्किन में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी अप्लाई करो, एकदम से ब्लेंड हो जाएगी स्किन के अंदर और एब्जॉर्ब होने के बाद बिल्कुल भी ग्रीजीनेस नहीं लगेगी स्किन पे, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसी होती है जो कि आपकी स्किन को ऑयली कर देती है अप्लाई करने के बाद, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं सनस्क्रीन। और ये सनस्क्रीन ना आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करती है, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छी है। और ये सनस्क्रीन ना आपके एजिंग साइंस को भी कम करती है, जैसे कि फाइन लाइंस हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई। और इस सनस्क्रीन में ना बहुत ही अमेजिंग से इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि इसमें है टाइनो सॉल्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, रास्पबेरी सीड एक्सट्रैक्ट और जिंक ऑक्साइड, जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट तो करते ही करते हैं लेकिन आपकी स्किन को साथ साथ नरिश भी करते हैं। और इसमें जो टाइनो सॉल्ट है ना, वो आपकी स्किन की जो सेकंड लेयर होती है उसमें प्रोडक्ट पेनिट्रेट कराने में बहुत हेल्प करता है। सो यस, और ये आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट तो करती ही है, लेकिन साथ साथ आपकी स्किन को ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन से मिलती है। जिसके आप फोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, टीवी देखते हो, उससे जो आपकी स्किन पे ब्लू लाइट पड़ती है ना, ये सनस्क्रीन आपको उससे भी प्रोटेक्ट करती है, जो कि आपको बहुत ही कम सनस्क्रीन में देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग सोचते होगे कि आप लोगों को सिर्फ बाहर सनस्क्रीन लगा के जानी है, लेकिन नहीं, आप लोगों को घर में भी सनस्क्रीन लगा के रखनी होती है जिससे कि आपकी स्किन ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट रहे। सनस्क्रीन को अप्लाई करने की राइट वे यही है कि आप हमेशा 15 मिनट पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करो बाहर जाने से, और अगर आप सन के साथ बहुत देर तक कांटेक्ट में हो तो हमेशा 2 घंटे में रीअप्लाई करते रहो सनस्क्रीन को, वरना आपकी स्किन पे टैनिंग हो सकती है। आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ फेस पे ही सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आपके जो भी बॉडी पार्ट दिख रहा है, जो भी, जैसे कि मेरे हाथ दिख रहे हैं, नेक दिख रही है और फेस दिख रहा है इस टाइम पे, सो मैं इन सारे पार्ट्स पे सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी अगर मैं बाहर जाऊंगी तो। अगर आप लोग अपनी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो ना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, फैन हो जाओगे। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, तभी मैंने आप लोगों को रेकमेंड करी है। मुझे बहुत ही पसंद आई है सनस्क्रीन बहुत ज्यादा, लाइक इसका फॉर्मूला, इसकी बिल्कुल भी इसमें कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, जो कि सनस्क्रीन में बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है मुझे, जो कि मैं जिस वजह से मैं सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती थी। सो यार गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।